आज आपके विभाग का इंस्पेक्शन हुआ है कि क्या इंस्पेक्शन? नहीं, आज श्री पंकज जैन जी IAS हैं और डिजिटल सेक्रेटरी कमिश्नर हैं हेल्थ एजुकेशन के। उनका आज कॉलेज में विजिट हुआ था। कॉलेज में विजिट करने के बाद में उन्होंने जो अपना पूरा GH परिसर है उसका विजिट किया, जिसमें कि माननीय डीन साहब, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धाकर साहब, अन्य वरिष्ठ चिकित्सक HOD सभी उसमें शामिल थे। कॉलेज के बाद में वो 1000 बिस्तर जो नवीन हमारा हॉस्पिटल जो चालू हुआ है उस अस्पताल का उन्होंने विजिट किया। उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर देखे और उसके बाद में जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर देखा, परिसर का उन्होंने पूरा भ्रमण किया। उसके बाद में जो पुराना परिसर है जहाँ पे कि कार्डियोलॉजी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, कैंसर विभाग, कमलायाम में महिला रोग विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, वो सबका उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद में वो स्पोर्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका भी निरीक्षण किया और सभी उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाएँ उनको बहुत अच्छी मिली उनको, और उनका कहना है कि मेरा क्वालिटी के बारे में जैसा मेरा सोचना था उससे भी अच्छा आपका चिकित्सा महाविद्यालय एवं जो आपका जो अस्पताल है वहाँ व्यवस्थाएँ मिली हैं। और उन्होंने कुछ मरीजों से भी बात की, उन्हें मरीजों के वार्डों का भी भ्रमण किया उन्होंने और सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने बड़ा सुचारू रूप से पाया। और खासकर उन्होंने कार्डियोलॉजी में और न्यूरो सर्जरी के विभाग में उन्होंने जो ऑपरेशन वाले वार्ड हैं उनका भी परीक्षण किया, पैथ लैब का भी परीक्षण किया उन्होंने, और उन्होंने सभी जगह का परीक्षण करने के बाद में उसके बाद में उन्होंने फिर कुछ अपने जो कमियां थी क्योंकि इतना बड़ा परिसर है तो ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हो, कमियां बहुत सारी हैं। थोड़ी बहुत कमी जैसे कमी जैसे पाई गई है अभी हमारे यहाँ, जैसे एक तो कैंपस हमारा एक नहीं है अभी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे कि कैंपस को कैसे यूनिफाइड किया जाए, उसके लिए अंडर पास बनाया जाए या वो बात करेंगे उसके लिए अपने शासन लेवल पर। दूसरा उन्होंने जैसे कार्डियोलॉजी में है, कार्डियोलॉजी में मरीजों की संख्या